आयुष चिकित्सक चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा, इससे बहुत लोग परेशान हैं, बाल खोरा। यानी बाल खोरा वो बीमारी है, आपने बहुतों के सर पर देखे होंगे, चकत्ते चकत्ते से जगह जगह से बहुत सारी जगह से बाल उड़ जाते हैं और वहाँ के जो सर की या दाढ़ी के कहीं पर भी वहाँ से काफ़ी चौड़ा निशान बन जाता है और वहाँ बाल नहीं रहते हैं। यहाँ सर पर कहीं पर भी हो जाते हैं, दाढ़ी और सर पर मोस्टली ये देखने को मिलता है। इसे एलोपेशिया इराटा भी बोलते हैं, एलोपेशिया भी बोल देते हैं और लोग इसको फंगल इन्फेक्शन भी बोल देते हैं और बाल खोरा भी बोलते हैं। तो दोस्तों, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या फंगल इन्फेक्शन होता है और इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो अंदर ही अंदर स्किन के अंदर अंदर जो बालों की जड़ें हैं उनको खा जाता है, उनको उनमें इन्फेक्शन की वजह से वो बाल ख़त्म होने चालू हो जाते हैं। तो ये बहुत गंभीर समस्या है और बहुत लोगों को जो है ना, ये किसी के आधे से ज़्यादा सर के बाल ख़त्म हो जाते हैं, चकत्ते चकत्ते से हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, तो ये देखने में बुरा भी लगता है। तो इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं जो नए व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और जो इस बीमारी से पीड़ित है दोस्तों उस तक तो इस वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि ये वीडियो इतना कारगर है, बहुत ही शानदार दवाई है। आप जो है ना चंद दिनों की, सप्ताह या दस दिन की दवाई में ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपने को जो बैक्टीरिया है मेन उसी पे काम करना है और इसके लिए आपको इसमें दोस्तों नीम की पत्ती का रस निकाल के सुबह के टाइम में नहार में आधा चम्मच या एक चम्मच आप रोज़ इस्तेमाल करना है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और दोस्तों, आंवले का इस्तेमाल ज़रूर करना है आपको और आंवले का चूर्ण भी ले सकते हो और आंवले का मुरब्बा भी ले सकते हो। और दोस्तों, इसमें लगाने के लिए रोगन बेजामोर, ये यूनानी की दवाई है और इसको लगाने से चंद ही दिनों में आपको जो बालों की समस्या है, जो बालों को बाल खोरा हो जाता है, जो बाल एक जगह चकत्ते के रूप में ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ कुछ दिन ये इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों इसका बहुत शानदार रिजल्ट है। रोगन बेजामोर जो है ना, ये आपको रेडीमेड मिल जाएगा, बहुत अच्छी दवाई है। और इसके साथ साथ आप माजून उशबा सुबह शाम इस्तेमाल इस्तेमाल करें और इसके अलावा आप जो है ना इतनी फल चाहतरा ये शाम के टाइम में ये इस्तेमाल करें, ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, बहुत अच्छा काम करता है। और माजून संग दाना मोर ये भी आप इस्तेमाल करें, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों, इसके अलावा आप जो है कोई तेल का इस्तेमाल नहीं करें, बस रोगन बेजामोर का इस्तेमाल करना है आपको, जो बालों की जो समस्या है इससे दूर हो जाएंगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, जो इससे पीड़ित हैं वो इससे लाभ उठा सकें। धन्यवाद।